Hello, welcome to Fitness Medical Society. Today we are now discuss about the GERD. GERD मतलब होते हैं गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. ये गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होते हैं? हम लोग को जब एसिडिटी लगते हैं, हमारा चेस्ट में जब जलन होते हैं, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं जीडीआरडी और गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज. इसका कारण क्या है? हमारा जो इसोफेगस से खाना हमारा स्टमक तक जाते हैं, स्टमक से हमारा कुछ एसिडिक सिक्रेशन होते हैं. वो एसिड अगर रिटर्न चला है इसोफेगस के दौरान, इससे हमारा ये रिफ्लक्स ज़्यादा दिखाई देते हैं. हमारा जो इसोफेगस है उसके नीचे की पार्ट में उसका जो एकदम जहाँ स्टमक के अंदर घुसते हैं वो जगह में एक मांसपेशिया है, इसोफेजियल स्प्लिंटर, उसका पूरा एक बैंड रहते हैं. उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. उसका अगर कॉन्ट्रैक्शन कभी हो जाए तब भी ये हो सकते हैं. ये छोड़ के हमारा ओबेसिटी से, हमारा हाइटल हार्निया से, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका कुछ प्रॉब्लम से ये हो सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी का भी ये हो सकते हैं. हाइटल हार्निया जिसको होते हैं उसका स्टमक थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं. ये छोड़ के हमारा स्पाइसी फूड, स्मोकिंग, कॉफ़ी, सोडा, अल्कोहल जैसा चीज के ऊपर ये बढ़ते हैं. तो इसका हम लोग कैसे इलाज करें? इसका इलाज यही हो सकते हैं, हम अगर एक्सरसाइज वगैरह करें स्टोमक के ऊपर, लीवर के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को चाहिए योगिक एक्सरसाइज. कौन सा योगिक एक्सरसाइज हम लोगों को मदद करते हैं? मदद करने वाला योगिक एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं भुजंगासना. उसका थोड़ा वेरिएशन आदमी के ऊपर डिपेंड करके कर सकते हैं. धनुर्वासना, उसका भी थोड़ा सा वेरिएशन. नहीं तो हम लोग वज्रासना, अगर जो वज्रासना पैर वहाँ फोल्ड ना कर सके वो स्ट्रेट करके बैठ. हम लोग अगर खाना खाने के बाद सो ना जाए और ऐसा एसिड रिफ्लेक्शन वाला आदमी को कम से कम डिनर के बाद 2-3 घंटा एकदम बैठ के रहना चाहिए. ऐसे खाना खाने के बाद सोने नहीं गया अगर वो अपना पोस्चर से नहीं बैठा तब भी अगर ये स्प्लिंट उसका मदद नहीं करेगा ठीक से तो उसका एसिड रिफ्लेक्स होगा. ये सब कुछ चीज़ हमको याद देना चाहिए. अगर जिसका रिफ्लक्स बढ़ेगा वो सोने का टाइम में सर के नीचे तो पिलो रखते ही है, वो पीठ के नीचे मगर थोड़ा सा स्पाइन के नीचे एक पिलो रख के सो जाए तो उसका एसिड रिफ्लक्स थोड़ा कम होगा. ऐसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीक में देंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी देंगे. तब तक के लिए नमस्ते.